हाय दोस्तों नमस्कार, मैं केपी शुक्ला शुक्ला एजू गैलेक्सी से। आज सारे बच्चों का सारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होने वाली है। समस्या क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज, सेंटेंस और क्लॉज के बीच में क्या अंतर होता है, यह एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज की इस छोटे से वीडियो में निश्चित रूप से आप सारे लोगों को सेंटेंस और क्लॉज के रूप में पूरी तरह से कन्फर्मेशन हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको सेंटेंस और क्लॉज के संबंधित और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या होता है। लेकिन ये अंतर देखने के पहले हमें पहले देखना पड़ेगा सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। अगर हमें ये समझ में आ गया सेंटेंस और क्लॉज क्या है, दोनों में समानताएँ क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है, तो निश्चित रूप से चीज़ को, इस टॉपिक को आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज द सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है। इससे संबंधित सेंटेंस के बारे में, वर्ड के बारे में एक वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वो जाके जरूर देखें सेंटेंस के बारे में कन्फर्म होने के लिए। तो क्या है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस कॉल सेंटेंस। माने अगर शब्दों के सार्थक समूह बना लें, कुछ शब्द लेंगे, कुछ वर्ड्स लेंगे, उसका ग्रुप बनाएंगे और वह ग्रुप मीनिंगफुल होना चाहिए, वह सेंस उसमें होना चाहिए, अर्थ आना चाहिए, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। कन्फर्म, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस कॉल सेंटेंस। तो ये हम देखने के लिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। पहला, रवि हैड नॉट सीन द वीडियो, रवि हैड नॉट सीन द वीडियो। इसमें सब्जेक्ट रवि है, सीन वर्ब है, वीडियो ऑब्जेक्ट है। इसमें एक करेक्ट, एक राइट, एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में वर्ड्स को अरेंज किया गया है। ये शब्दों का एक समूह है जो एक सार्थक तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से अरेंज किया गया है, इसकी मीनिंग आती है। अगर कोई पूछता है सब्जेक्ट कहाँ है, देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है। टेंस कौन सा है? टेंस भाई देखो हैड है और सीन है, पास्ट परफेक्ट का है। माने इसमें हम पूरा का पूरी जानकारी सामने वाले को दे सकते हैं, ये सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, सेंटेंस का प्रकार कौन सा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम आसानी से बता सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप यह है, इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। सेकंड देखना, सीमा डज नॉट गो टू स्कूल, ये सीमा सब्जेक्ट हुआ और आगे बाकी जो बचा हुआ है क्या, प्रेडिकेट है। माने इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अगर टेंस कोई बताना चाहे डज नॉट को देखकर बता सकता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। थर्ड देखेंगे, तोमर सेड टू मी दैट ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, तोमर सेड टू मी, इसको देखकर आप बता सकते हैं सेट सेकंड फॉर्म में है, ये पास्ट सिंपल का है, ही डिड नॉट कंप्लीट, ये पास्ट सिंपल नेगेटिव है। मतलब इसमें सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टेंस कौन सा है, आपका सब्जेक्ट का नंबर कौन सा है, ये सारी बातें जानकारी आपको मिल सकती हैं, इसलिए सेंटेंस है। मज़ा तो अब आएगा अगर हम देखें व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या है, क्लॉज किसे कहते हैं। आप इसको डिफाइन करते हुए देखेंगे, क्लॉज इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब भैया यही परिभाषा तो हम पीछे देख कर आए हैं, सेंटेंस में भी यही था, सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दोनों जब परिभाषाएँ, दोनों के डिफिनेशंस सेम है, तो फिर इसमें हम अंतर कैसे करेंगे, किस आधार पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। एक परिभाषा और आप देखिए, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, ध्यान देना, क्लॉज जो होता है वह किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, किसी सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यह क्लॉज इज ए पीस ऑफ सेंटेंस, क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। आप बात समझ भाई, सेंटेंस अपने आप में एक मीनिंगफुल ग्रुप है और क्लॉज भी मीनिंगफुल ग्रुप है, लेकिन अंतर क्या है, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज किसी भी सेंटेंस का
पार्ट होता है, हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, लेकिन ध्यान देना कैसा टुकड़ा, कैसा पीस, कैसा पार्ट, जो मीनिंगफुल हो। ऐसा पार्ट किसी सेंटेंस का, ऐसा पार्ट आपको लेना है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिखाई दे रहे हों, जिसको देखकर आपको सेंटेंस का प्रकार, टेंस का प्रकार आप कंफर्म कर सकते हो, उसे ही आप क्लॉज का नाम देंगे। किसी सेंटेंस के हर पार्ट को, किसी सेंटेंस के हर टुकड़े को आप क्लॉज नहीं बोलेंगे। ये हम अच्छे समझने के लिए आइए एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते। अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर एक, रमन डिड नॉट गेट हिज वॉच विच वॉज ऑन द टेबल। अब ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस पूरा सेंटेंस है क्योंकि मीनिंगफुल है, इसमें टेंस का हमें पता है, सेंटेंस का प्रकार पता है, सारी बातें हम जान सकते हैं, इसलिए मीनिंगफुल ग्रुप है, ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए इसको सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन अब इसी में हमें क्लॉज को अलग करना है। देखिए रमन डिड नॉट गेट हिज वॉच, ध्यान देना ये इतना पार्ट हो गया, इसमें रमन सब्जेक्ट है, बाकी का हिस्सा क्या हो, प्रेडिकेट हो गया। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब को देखकर हमने ये पता लगा लिया भाई देखो इसमें ये पास्ट सिंपल टेंस है और गेट आपका यहाँ पर फाइनाइट वर्ब भी दिया गया है, इसका मतलब यह एक सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस है। अगर इसी चीज़ को मैं अलग से लिख दूँ रमन डिड नॉट गेट हिज वॉच तो 100% ये सेंटेंस हो जाएगा। जरा आगे देखेंगे विच, अब ये विच जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉच ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर था। अब ध्यान देना, तो अगर मैं इसके इस पार्ट को निकाल लूँ विच वॉच ऑन द टेबल, विच वॉच ऑन द टेबल, तो ये आप क्या हो गया, एक पार्ट हो गया इस सेंटेंस का, एक पीस हो गया, एक टुकड़ा हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें सेंटेंस का भी पता है, सब्जेक्ट का पता है, प्रेडिकेट पता है, मतलब अब ये क्लॉज हो गया विच वॉच ऑन द टेबल, ये एक क्लॉज है क्योंकि सेंटेंस का पार्ट है। और रमन डिड नॉट गेट हिज वॉच, रमन डिड नॉट गेट हिज वॉच, ये भी एक क्लॉज है। रमन डिड नॉट गेट हिज वॉच विच वॉच ऑन द टेबल, ये सेंटेंस है। और सेंटेंस में हमने क्या देखा, इसमें दो क्लॉज मिल गए, पहला क्या हो गया रमन डिड नॉट गेट हिज वॉच, दूसरा विच वॉच ऑन द टेबल, ये क्लॉज, दो क्लॉज मिल गए। अब जरा आगे देखें, रोहित सेड, रोहित सेड ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है ना, ये पास्ट सिंपल का है। तो रोहित सेड एक पार्ट हमने यहां ले लिया, दैट ही हैड ए ब्यूटीफुल वीडियो, ही हैड ए ब्यूटीफुल वीडियो, अब ये दूसरा पार्ट हो गया। अब जहां ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट में रोहित है सब्जेक्ट है और सेड वर्ब है, माने पास्ट सिंपल में है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरे में ही हैड ए ब्यूटीफुल वीडियो, सब्जेक्ट देखिए ही है, हैड मेन वर्ब है, अब ब्यूटीफुल वीडियो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। टेंस अगर कोई पूछे आप बता सकते हैं कि ही हैड ए ब्यूटीफुल वीडियो, मतलब वो एक पास्ट सिंपल का है। तो ये क्लॉज, इसमें दो क्लॉज हो गए, रोहित सेड एक क्लॉज हो गया, दैट ही हैड ए ब्यूटीफुल वीडियो, यह एक पार्ट हो गया। अब आपने ये देखा यहां पे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज, लेकिन सिर्फ इस पर नहीं। देखिए मैंने अगर ये ले लिया अ ब्यूटीफुल वीडियो, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये भी पार्ट ऑफ पीस ऑफ सेंटेंस है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या हम इसे क्लॉज बोलेंगे? डिफाइन तो कर दिया, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये ब्यूटीफुल वीडियो ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, तो इसे हम क्लॉज बोलें क्या, प्रश्न आएगा ना, ये हम क्लॉज बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? देखिए भाई ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, पीस ऑफ, ग्रुप ऑफ वर्ड है, पीस ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, बट इट हैज नॉट ए कंप्लीट सेंस, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, मीनिंग नहीं निकलेगी। अगर मैं बोलूँ ब्यूटीफुल वीडियो कौन सा टेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है, कभी भी कोई बता नहीं सकता, मतलब इट इज ए पीस ऑफ सेंटेंस,
पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस। तो ध्यान देना, हमेशा क्लॉज की को डिफाइन करते समय क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस बट विथ अ सर्टेन मीनिंग बट विथ अ सर्टेन सेंस, माने किसी सेंटेंस के उस हिस्से को जिसकी मीनिंग हो, जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकले, जिसको देख करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, सिर्फ आप ऐसी ही कंडीशन में क्लॉज बोलेंगे। और जिस पार्ट में ये आपको सारी बातें क्लियर ना हो उसे आप क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज और क्लॉज के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ सेंटेंस और क्लॉज को देखने आए हैं, इसी को यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है और क्लॉज हम किसको कहेंगे, सेंटेंस की किस पार्ट क्लॉज कहेंगे। दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्लॉज आप सिर्फ उसी सेंटेंस में पाएंगे जिस सेंटेंस में कंजक्शन पाए जाएंगे, संयोजक पाए जाएंगे। जिस सेंटेंस में किसी प्रकार कंजक्शन नहीं होगा वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। और आप सिंपल सेंटेंस में क्लॉज खोजने की गलती कभी मत करना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में किसी प्रकार क्लॉज नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कंजक्शन जो है अपने गुण और कार्य के आधार पे दो प्रकार के हैं, एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेटर। अब आप कन्फर्म हो जाना जिस सेंटेंस में, ध्यान रखना ये क्लॉज पहचाने कैसे, जिस सेंटेंस में आपके कोऑर्डिनेटर दिखाई देंगे वहाँ पर जो क्लॉज निकालेंगे उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और जिस सेंटेंस में आपके सबऑर्डिनेटर दिखाई देंगे उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब पहले ये आपको कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं और कौन कौन से सबऑर्डिनेटर हैं। ये आपके सामने है कोऑर्डिनेटर की एक लिस्ट है, एंड आल्सो टू एज वेल एज एक में है, बट नॉट ओनली बट आल्सो एक है, और नॉर एल्स आइदर और या नॉदर नॉर सो देन स्टिल एट सो देयर फोर नॉट एट। ये सारे के सारे कंजक्शन जो हैं इन्हें क्या बोलेंगे, आप इन्हें कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। और ध्यान रखना जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर मिलेगा उस सेंटेंस का जो प्रकार होता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। वैसे स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इसका वीडियो हम नेक्स्ट टाइम में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कंजक्शन नहीं मिलेगा उसे आप सिंपल बोलेंगे, और जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर्स दिखाई देंगे, ये कोऑर्डिनेटर आपको दिए गए हैं पूरे, जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर दिखाई देंगे उस सेंटेंस को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पाएंगे और उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं सबऑर्डिनेटर क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पर सिंपली आप जान लीजिए कंजक्शंस दो प्रकार के हो गए, कोऑर्डिनेटर्स आपने देख लिया, ये है सबऑर्डिनेटर्स, ये आपके सामने है, ठीक ना। जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटर्स होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेटर होगा कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें कुछ भी कंजक्शन नहीं होगा वहाँ पर हम सिंपल बोलेंगे। अब ये सबऑर्डिनेटर्स हैं कौन कौन सा, पहला WH वर्ड। अब WH वर्ड मतलब ढेर सारा मैं नहीं लिख सकता यहाँ पर, अब हुज हुम व्हाई व्हेन वेयर व्हाट सब का समझ लीजिए, जितने भी शब्द WH से शुरू होते हैं वो सब को हम WH वर्ड कहते हैं। तो WH वर्ड, तो WH वर्ड जो होते हैं वो कंजक्शन का काम भी करते हैं, और वो कैसे कंजक्शन होते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं। उसके बाद में एज है, अब एज का मतलब ढेर सारा आप मान लीजिए, एज है, एज सून एज है, एज देन है, ये सब सेंटेंस आप सबऑर्डिनेटर हैं। आफ्टर है, ऑल्दो है, बिकॉज इफ अनलेस दैट प्रोवाइडेड, अब प्रोवाइडेड और दैट दोनों का मतलब लगभग एक होता है, अनटिल टिल सिंस लेस हाउ इवन दो,
ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सबऑर्डिनेटर के कैटेगरी में आते हैं। ध्यान ये रखना, जिस सेंटेंस में ये सबऑर्डिनेटर दिखाई देंगे उसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। और जो क्लॉज इसमें पैदा होगा, जो क्लॉज मिलेगा, उसे बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे। दोस्तों, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसके बाद मैं इसके आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, जिसमें कि आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।